हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला आपके अभी फ़ोन में अगर टॉकबैक लग गया है तो इसको कैसे हटाएंगे, इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो टच है बिल्कुल भी काम करना बंद हो कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आप किसी भी आप जाते हैं शॉप पर तो 300 से 400 रुपये ऐसे ले लेता है, और कहीं भी जाते हैं तो आपको इजीली ठग लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आप इजीली फिक्स कर सकते हैं, आपको किसी को 400-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी भी शॉप में जा कर के, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो सेटिंग में कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको 2 उंगली का सहारा लेना होगा, और इस तरीके से एक उंगली से करेंगे तो नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं 2 उंगली से हो रहा है, एक उंगली से कर रहा हूँ नहीं हो रहा, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। तो उंगली से करूँगा तो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग को फाइंड करना है इस तरीके से, ये रहा सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का जो ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डबल टैप करना है, उसके बाद आपको 2 उंगली से ऊपर नीचे करना है इस तरीके से, एक उंगली से करेंगे तो नहीं होगा, देख सकते हैं। 2 उंगली से करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, और जिसको बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्मार्ट असिस्टेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस कलर में ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको डबल टैप करना होगा, जैसे कि ये बोल रही है, फास्ट करना है, ये नहीं कह रहा आराम से, ऐसे ऐसे करके फास्ट करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक किया फास्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपका ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा जैसे कि अभी हो चुका है। उसके बाद उंगली से फास्ट सेलेक्ट करेंगे, ऐसे दबाएंगे, दबाने के बाद आपको तीसरे नंबर पे आपको टॉकबैक देखने को मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डबल टैप करना है और स्टॉप टॉकबैक पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस पर स्टॉप पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट हो गया, फिर से डबल टैप किया और ये ऑफ हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब टच एक उंगली से काम कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।